संभल के चंदोसी के अशोक नगर स्थित आशीष गार्डन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर फूल माला और दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत राज के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से सभी प्रबुद्ध जनों को अवगत कराया कि वर्षों से अटकी बंद पेंशन की समस्या, 80 करोड़ गरीबों को राशन, कोरोना के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 77 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एडवोकेट दिग्विजय सिंह गोल्डी, आज प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ चंदौसी में, इसमें क्या किया? पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध लोगों और सभी प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पार्टी की द्वारा किए गए विकास कार्य, योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और समाज को पार्टी के साथ जुड़ने का एक दिशा देने का कार्य जैसे जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं सब करते हैं, तो उनसे संवाद किया है पार्टी में और पार्टी का यही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन हम लोग अपने कर रहे हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों की चर्चा हम लोगों ने की है और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, समाज के लिए क्यों आवश्यक है इसकी चर्चा हम सब लोग मिलकर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 12 महीने और 360 दिन संगठन के काम को करता, अपनी बात को नीचे पहुंचाने का काम करता, तो उसी सिलसिले में हमारे ये कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है और हमें विश्वास है कि हम लोगों ने जो काम किए हैं और कामों के आधार पर और हमारी कार्यकर्ता की सक्रियता के आधार पर मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद हम लोगों को एक बार पुनः मिलेगा। सर,